जो आज हमने सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करी आप फार्मर्स के लिए, और जो डेथ हुई है वो बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट है जो अब हुआ है, और हम चाहते हैं कि इस टाइप के इंसिडेंट इन फ्यूचर ना हो, पीसफुल सारा कुछ सॉर्ट आउट हो, और उनको सपोर्ट करने के लिए आज हमने स्ट्राइक की थी। इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था हमारा, लेकिन हाँ सभी हम जो हैं वो पहले किसान हैं, उसके बाद हम वकील हैं, डॉक्टर हैं, और इसमें जो हमारे एडवोकेट जनरल हरियाणा की तरफ से आप जो बता रहे हो कि उन्होंने बोला था कि भाई हम इसको नहीं मानते स्ट्राइक को, ऐसा नहीं है। अब वो भी हमारे पार्ट एंड पार्सल है, हमारे सीनियर हैं, थोड़ी सी उनकी तरफ से एक डायरेक्शन इशू हुई थी अपने ऑफिसर्स को कि भई आपने कोर्ट में अपीयर होना है, लेकिन हमारी उनसे बात हो गई थी तो उसके बाद वो सारा कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है हमारे बीच में, तो उनकी तरफ से भी हमें कोई ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ना मिली हो, उनकी तरफ से भी हमें फुल सपोर्ट मिली है। जो आज हमने सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करी आप फार्मर्स के लिए, और जो डेथ हुई है वो बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट है जो अब हुआ है, और हम चाहते हैं कि इस टाइप के इंसिडेंट इन फ्यूचर ना हो, पीसफुल सारा कुछ सॉर्ट आउट हो, और उनको सपोर्ट करने के लिए आज हमने स्ट्राइक की थी। इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था हमारा, लेकिन हाँ सभी हम जो हैं वो पहले किसान हैं, उसके बाद हम वकील हैं, डॉक्टर हैं, और इसमें जो हमारे एडवोकेट जनरल हरियाणा की तरफ से आप जो बता रहे हो कि उन्होंने बोला था कि भई हम इसको नहीं मानते स्ट्राइक को, ऐसा नहीं है। अब वो भी हमारे पार्ट एंड पार्सल है, हमारे सीनियर हैं, थोड़ी सी उनकी तरफ से एक डायरेक्शन इशू हुई थी अपने ऑफिसर्स को कि भई आपने कोर्ट में अपीयर होना है, लेकिन हमारी उनसे बात हो गई थी तो उसके बाद वो सारा कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है हमारे बीच में, तो उनकी तरफ से भी हमें कोई ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ना मिली हो, उनकी तरफ से भी हमें फुल सपोर्ट मिली है। जो आज हमने सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करी आप फार्मर्स के लिए, और जो डेथ हुई है वो बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट है जो अब हुआ है, और हम चाहते हैं कि इस टाइप के इंसिडेंट इन फ्यूचर ना हो, पीसफुल सारा कुछ सॉर्ट आउट हो, और उनको सपोर्ट करने के लिए आज हमने स्ट्राइक की थी। इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था हमारा, लेकिन हाँ सभी हम जो हैं वो पहले किसान हैं, उसके बाद हम वकील हैं, डॉक्टर हैं, और इसमें जो हमारे एडवोकेट जनरल हरियाणा की तरफ से आप जो बता रहे हो कि उन्होंने बोला था कि भई हम इसको नहीं मानते स्ट्राइक को, ऐसा नहीं है। अब वो भी हमारे पार्ट एंड पार्सल है, हमारे सीनियर हैं, थोड़ी सी उनकी तरफ से एक डायरेक्शन इशू हुई थी अपने ऑफिसर्स को कि भई आपने कोर्ट में अपीयर होना है, लेकिन हमारी उनसे बात हो गई थी तो उसके बाद वो सारा कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है हमारे बीच में, तो उनकी तरफ से भी हमें कोई ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ना मिली हो, उनकी तरफ से भी हमें फुल सपोर्ट मिली है।